हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार अगर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है पीए का एग्जाम जो कि राजस्थान सर्कल में हुआ था 2022 में। इसके सॉल्यूशन को आज हम लोग करने वाले हैं और आज ही के दिन एग्जाम हुआ है। तो पहला प्रश्न है, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिगार्ड टू बिजनेस पार्सल सर्विसेज। बिजनेस पार्सल सेवा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर एक में है, बिजनेस पार्सल पूरे देश में उपलब्ध है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी में है कि बिजनेस पार्सल का अधिकतम वजन 35 किलोग्राम है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी में है, किसी भी आयाम में अधिकतम लंबाई 150 सेंटीमीटर या लंबाई के लिए 300 सेंटीमीटर और लंबाई के अलावा किसी अन्य दिशा में मापी गई सबसे बड़ी परिधि से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों सही है, इसलिए इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर दो में पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। भारतीय डाक विभाग का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी है इस प्रश्न के लिए सही आंसर, @IndiaPostOffice। इस प्रश्न का पूछना बनता नहीं है लेकिन पूछ लिया गया है इसलिए, लेकिन ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर तीन में पूछा गया कि स्पीड पोस्ट प्रोवाइड्स एक्सप्रेस एंड टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ लेटर्स एंड पार्सल वेटिंग अप टू हाउ मेनी वेट्स इन इंडिया। यानी कि स्पीड पोस्ट भारत में अधिकतम कितने वजन की हो सकती है, सिंपली यह पूछा गया है। तो मैक्सिमम वेट लिमिट है स्पीड पोस्ट की इंडिया में, वो है 35 kg, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चार में पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रूफ ऑफ डिलीवरी चार्जेस पर स्पीड पोस्ट आर्टिकल इफ रिक्वायर्ड विच इज इन एडिशन टू स्पीड पोस्ट चार्जेस। यदि आवश्यक हो तो स्पीड पोस्ट डिलीवरी प्रमाण का शुल्क क्या है जो स्पीड पोस्ट शुल्क के अतिरिक्त है। बेसिकली ये पूछा गया है कि पीओडी के चार्जेस कितने हैं, प्रूफ ऑफ डिलीवरी का चार्ज कितना लगता है। तो प्रूफ ऑफ डिलीवरी के लिए जो चार्जेस हैं वो है 10 रुपये प्रति वस्तु, ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। एडी के लिए जो चार्जेस हैं वो है 3 रुपये, यानी कि एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट जिसे हम लोग बोलते हैं, जिसे रजिस्टर्ड आर्टिकल्स के साथ में लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर पांच में पूछा गया कि व्हाट इज द प्रिजर्वेशन पीरियड ऑफ नॉमिनल रोल। नॉमिनल रोल की परिरक्षण की अवधि क्या है? तो इसे परमानेंट तौर से इसे प्रिजर्व करके रखा जाता है, इसलिए इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर छह में पूछा गया है कि व्हाट इज द अथॉरिटी कंपिटेंट टू एक्सटेंड द वर्किंग आवर्स ऑफ पोस्ट ऑफिसेस एंड कीप देम ओपन ऑन संडेज ऑल्सो। डाकघरों के काम के घंटे बढ़ाने और उन्हें रविवार को भी खुले रखने के लिए जो सक्षम प्राधिकारी है वो कौन है? तो बेसिकली पोस्ट ऑफिस के जो समय को कौन बढ़ाता है, नाइट पोस्ट ऑफिस के समय को कौन बढ़ाता है, तो डीजी ऑफ द पोस्ट बढ़ाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर सात में पूछा गया कि व्हेनेवर अ वाउचर इज वांटिंग अ रिमार्क शुड बी रिटन बाय द सब अकाउंट असिस्टेंट ऑन द डेली अकाउंट एंड अ नोट ऑफ द इरेगुलरिटी शुड बी ऑल्सो बी मेड इन। यानी कि जब भी कोई वाउचर वांछित हो तो दैनिक खाते पर उफ खाता सहायक द्वारा एक टिप्पणी लिखी जानी चाहिए और इसे किस में नोट करना चाहिए, इसे त्रुटि पुस्तक यानी कि एरर बुक में इसे इस अनियमितता को नोट भी बनाया जाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आठ में पूछा गया कि व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट फॉर ओपनिंग पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट को खोलने के लिए मिनिमम पूछा गया है, मिनिमम कितने रुपए से इस खाते को खोला जा सकता है? तो पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट को मिनिमम 500 रुपए से खोला जा सकता है, इसलिए इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 500 रुपए। क्वेश्चन नंबर नौ में पूछा गया कि अंडर सेक्शन 80TTA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट फॉर्म ऑल सेविंग बैंक अकाउंट्स इंटरेस्ट अप टू हाउ मेनी रुपीज अर्न इन अ फाइनेंशियल ईयर इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेबल इनकम। आयकर अधिनियम की धारा 80TTA के तहत सभी बचत बैंक के खातों से एक वित्तीय वर्ष में अर्जित 10,000 रुपये तक के ब्याज को कर योग्य आय से छूट दी गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है इंश्योरेंस सील यूज्ड इन अ मेल ऑफिस मस्ट ऑलवेज रिमेन इन हूज पोजिशन एंड हु विल बी हेल्ड आंसरेबल इफ एनी इम्प्रॉपर यूज इज मेड ऑफ इट। डाक कार्यालय के उपयोग की जाने वाली बीमा मोहरें हमेशा किसके कब्जे में रहनी चाहिए और यदि इनका कोई अनुचित उपयोग किया जा रहा है तो कौन जवाबदेह होगा, ये पूछा गया है। तो इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर है वो होगा हेड शॉर्टिंग असिस्टेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर।
क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि द फॉर्म M42 फॉर ट्रांजिट सेक्शंस एंड M43 फॉर मेल ऑफिसेस इज यूज्ड फॉर, यानी कि ट्रांजिट अनुभागों के लिए फॉर्म 42 और मेल कार्यालयों के लिए फॉर्म 43 का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो इसका यूज किया जाता है टू प्रिपेयर मेल एब्स्ट्रैक्ट, मेल सार तैयार करने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन शॉटिंग सहायक को अपने आराम के समय के दौरान अभ्यास शॉटिंग के लिए रिकॉर्ड कार्यालय में उपस्थित होने का आदेश देने के लिए अधिकृत है। तो ऐसा करने के लिए जो सक्षम अधिकारी है वो है रिकॉर्ड ऑफिसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया कि हाउ मच टेस्ट चेक्स ऑफ क्रेडिट्स एंड डेबिट्स इन ईच विल शैल बी चेक्ड बाय अनदर सीनियर एंड एक्सपीरियंस ऑफिशियल इन द ऑफिस ऑफ अकाउंट रिलेटेड विद फॉरेन मेल। अकॉर्डिंग टू मी इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में इफ द डिटेंशन ऑफ मेल ड्यू टू ब्रिचेस और एक्सटेंड्स इज लाइकली टू एक्सीड हाउ मेनी आवर्स इट शुड बी रिपोर्टेड एट वंस टू द स्टूडेंट एंड द रिकॉर्ड ऑफिस। यदि उल्लंघनों या दुर्घटनाओं के कारण डाक को रोके जाने के लिए अधिकतम कितने घंटे अधिक होने की संभावना है तो इसकी सूचना तुरंत अधीक्षक और अभिलेख कार्यालय को दी जानी चाहिए। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा 6 आवर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है एनी पार्सल फाउंड इन अ लेटर बॉक्स विल बी ट्रीटेड एंड चार्ज एज ए। लेटर बॉक्स में पाए जाने किसी भी पार्सल को किस तरीके से ट्रीट और चार्ज किया जाता है। तो इसे रजिस्टर्ड पार्सल की तरह ट्रीट किया जाता है और उसी की तरह उनसे चार्ज लिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में विच कैन नॉट बी यूज फॉर पेमेंट ऑफ पोस्टेज चार्जेस, किसका प्रयोग डाक शुल्क के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है। तो रेवेन्यू स्टैम्प्स को हम लोग डाक शुल्क के भुगतान के लिए नहीं ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। पोस्टेज स्टैम्प कैश और फ्रैंकिंग इंप्रेशंस को हम लोग डाक शुल्क के भुगतान के लिए यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में विच आर्टिकल कैन बी डिलीवर थ्रू पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग्स। पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग के माध्यम से कौन से पत्रों को वितरित किया जाता है। तो फुली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स को पोस्ट बॉक्स या पोस्ट बैग से डिलीवर किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट क्लास मेल, निम्नलिखित में से कौन सी फर्स्ट क्लास की मेल है। तो पोस्ट कार्ड फर्स्ट क्लास की मेल है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। बाकी की ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट्स, रजिस्टर्ड न्यूज पेपर, ये दोनों सेकेंड क्लास की मेल है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि इन विच पोस्ट ऑफिस आर्टिकल्स कैन बी इंश्योर्ड, किन डाकघर में पत्रों का बीमा किया जा सकता है। तो लिमिटेड कंडीशंस में ब्रांच पोस्ट ऑफिस में इंश्योरेंस किसी भी आर्टिकल का किया जा सकता है, उसके अलावा सब ऑफिस और एचओ में सभी आर्टिकल्स को इंश्योर्ड किया जा सकता है, इसलिए इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी ऑल पोस्ट ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि इन विच केसेस रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी, निम्नलिखित में से किस मामले में पंजीकरण अनिवार्य है। तो कोई भी पार्सल जिसका वजन 4 किलोग्राम से ज़्यादा है तो ऐसे आर्टिकल्स को रजिस्टर करना कंपलसरी है। किसी भी इंश्योर्ड आर्टिकल को रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है, किसी भी वैल्यूएबल आर्टिकल को रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, इसलिए इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वेट लिमिट ऑफ अ लेटर, एक पत्र की अधिकतम वजन सीमा क्या होती है। तो 2 किलोग्राम होती है, इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कि सजेशंस एंड कंप्लेंट्स बुक इज अवेलेबल एट, सुझाव और शिकायत पुस्तिका कहाँ पर उपलब्ध होती है। तो ये सभी डाकघरों में उपलब्ध होती है, इसलिए इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी ऑल पोस्ट ऑफिसेस। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है ए पार्सल वेटिंग अबव हाउ मेनी किलोग्राम्स इन वेट विल बी डिलीवर्ड ओनली एट द पोस्ट ऑफिस विंडो। किसी पार्सल का जिसका वजन 10 किलोग्राम से ज़्यादा है उसे पोस्ट ऑफिस की खिड़की से ही डिलीवर किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 में एड्रेसेस ऑफ एन आर्टिकल इज नॉट बाउंड टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन इट टू द पोस्ट ऑफिस इफ ही डज नॉट वांट टू टेक डिलीवरी ऑफ इट, इन सच केस व्हाट रिमार्क विल बी रिटन बाय द पोस्टमैन अक्रॉस द कवर। किसी वस्तु का प्राप्तकर्ता डाकघर को उस
पर देय राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है यदि वह इसकी सुपुर्दगी नहीं लेना चाहता है। ऐसे में पोस्टमैन द्वारा इस पर क्या रिमार्क दिया जाता है, ये पूछा गया है। तो कोई अगर कोई व्यक्ति जिसके नाम से कोई आर्टिकल गया है वो उनको नहीं लेता है तो उस पर सिंपली रिफ्यूज का रिमार्क लगाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया, कैटेगरीज ऑफ फॉरेन पोस्टल आर्टिकल्स आर, विदेशी डाक वस्तु की श्रेणियां क्या है। तो फॉरेन पोस्टल आर्टिकल्स को लेटर पोस्ट और पार्सल पोस्ट में डिवाइड किया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया कि द फी फॉर स्पेशल सर्विसेज ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्नोलेजमेंट्स एडवाइस ऑफ डिलीवरी इंश्योरेंस फी एट्रा आर, पंजीकरण पावती या डिलीवरी का प्रमाण बीमा शुल्क आदि की विशेष सेवाओं के लिए शुल्क के संदर्भ में इन्हें किन जोन्स में बांटा गया है, बेसिकली ये पूछा गया है। तो इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, ऐसी चार्जेस के लिए जो एरिया है उसको 9 जोन्स में बांटा गया है, यानी कि अलग अलग कंट्रीज को अलग अलग जोन्स में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 27 में है, इन द फॉरेन पोस्ट द टर्म लेटर पोस्ट अप्लाइज टू द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ द पोस्टल आर्टिकल, विदेशी डाक में लेटर पोस्ट शब्द डाक वस्तुओं के निम्नलिखित वर्गों पर लागू होता है। तो लेटर पोस्ट में कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं, तो लेटर पोस्ट में आते हैं प्रिंटेड पेपर्स, पोस्ट कार्ड्स, रजिस्टर्ड न्यूज पेपर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है, मार्क इन करेक्ट ऑप्शंस रिलेटेड टू पोस्ट कार्ड, पोस्ट कार्ड के संबंध में गलत विकल्प को चिन्हित करना है। ऑप्शन नंबर एक में है, शुड नॉट बी फोल्डेड कट और अल्टर्ड एंड शुड बी सेंट अनक्लोज, पोस्ट कार्ड को मोड़ना काटना या बदलना नहीं चाहिए और इसे बिना संलग्न के भेजा जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी में है, ब्रीच ऑफ द कंडीशंस मे बी ट्रीटेड एज लेटर एंड पोस्टेड विल बी टैक्स्ड अकॉर्डिंगली, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी में है, अनपेड एंड इनसफिशियंटली पेड पोस्ट कार्ड आर फॉरवर्डेड टैक्स्ड एंड डबल द डेफिशिएंसी, ऑप्शन नंबर सी भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस पर बसता है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है उसमें दिया हुआ है कि द अमाउंट इज रिकवर्ड फ्रॉम सेंडर आफ्टर द डिलीवरी, तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है, लेकिन इस प्रश्न के चारों ऑप्शन सही है इसलिए इसका कोई भी ऑप्शन इनकरेक्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया कि इंडिया ज्वाइन द एपीपीयू इन द ईयर, भारत ने एपीपीयू को किस वर्ष में ज्वाइन किया था, तो इंडिया ने एपीपीयू को 1973 में ज्वाइन किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी पत्र भारत में पुनः प्रेषण के लिए योग्य नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरन आर्टिकल इज नॉट एलिजिबल फॉर डायरेक्शन इन इंडिया बाई एयर, इसके लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्मॉल पैकेट्स के अलावा लेटर्स एयरोग्राम्स और पोस्टकार्ड्स फॉरेन आर्टिकल्स रिडायरेक्शन के लिए एलिजिबल है बाई एयर, तो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया कि पैक कंटेनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम शुड बी लेबल्ड ग्रीन, निम्नलिखित में से किस वस्तु वाले पैक पर हरे रंग का लेबल लगा होना चाहिए, तो जो ग्रीन कलर का जो लेबल है वो मेडिसिन्स पर लगा होना चाहिए, इसलिए इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेशंस इज परमिटेड ऑन कंटेंट्स ऑफ अ स्मॉल पैकेट्स इन फॉरेन पोस्ट, विदेशी डाक में एक छोटे पैकेट की सामग्री पर लिमिट से किस संकेत की अनुमति है, तो इस स्मॉल पैकेट पर रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द गुड्स होना चाहिए, ट्रेडमार्क होना चाहिए, एड्रेस ऑफ द सेंडर होना चाहिए, इसलिए इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33 में के कंप्लेंट्स अबाउट द असेसमेंट्स ऑफ कस्टम ड्यूटीज आर डील्ड विद ओनली बाय कस्टम अथॉरिटीज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। सीमा शुल्क के निर्धारण के बारे में शिकायतों का निपटारा केवल सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 में द मिनिमम वेट ऑफ अ बैग इन अ बल्क बैग सिस्टम इज, बल्क बैग सिस्टम में एक बैग का न्यूनतम वजन कितना होना चाहिए, तो 5 kg, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 ध्यान से देखना है, दर्पण रेफर्स टू, दर्पण का पूरा नाम क्या है, दर्पण का पूरा नाम है डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ अ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया, ऑप्शन नंबर ए और बी में पोस्ट के बाद में ऑफिस नहीं है, ऑप्शन नंबर ए में
इसलिए गलत हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर, डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ अ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया। क्वेश्चन नंबर 36 में व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट दैट एम्ड एट द सप्लाई ऑफ रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स लाइक स्मार्टफोन्स टू पोस्टमैन स्टाफ ऑफ अ पोस्ट ऑफिस। उस परियोजना का नाम क्या है जिसका उद्देश्य डाकघरों के डाकिया कर्मचारियों को स्मार्टफोन जैसे आवश्यक उपकरण की आपूर्ति करना है? तो ये जो जिम्मेदारी है वो है मेल ऑपरेशंस हार्डवेयर के ऊपर, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 में एनएसपी इन एनआई कैटेगरी आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट द वर्ड पी स्टैंड फॉर। बेसिकली ये पूछा गया है कि एनएसपी के फुल फॉर्म में पी का मतलब क्या है, तो एनएसपी के फुल फॉर्म होती है नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, तो पी का मतलब हो गया प्रोवाइडर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 में है कि वर्तमान में डाकघर के एटीएम में कैश मैनेजमेंट और कैश लोडिंग का वेंडर कौन है? तो इसके लिए जो वेंडर है वो है AGS, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 में कि विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट एक्सपेंशन, निम्नलिखित में से कौन सा गलत विस्तार है? तो SSO के फुल फॉर्म है सिंगल साइन ऑन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी में कि DPMS, DPMS की फुल फॉर्म होते हैं डिलीवरी एंड पोस्टमैन मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी गलत स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी में क्या है CBS की फुल फॉर्म है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन नॉट सॉफ्टवेयर, ये भी गलत है। और चार में है RSI रूरल सिस्टम इंटीग्रेटर, ये बिल्कुल सही है। तो एक और चार सही है, दो और तीन गलत हैं। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं इसलिए ये क्वेश्चंस भी आपको बोनस मिलने वाला है। और इसके लिए जो सही आंसर है वो है कि दो और तीन में जो फुल फॉर्म्स हैं वो दोनों गलत दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 में फुल फॉर्म ऑफ DPMS इज, DPMS की फुल फॉर्म क्या है? DPMS की फुल फॉर्म है डिलीवरी एंड पोस्टमैन मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ IPVS विद रेफरेंस टू CSI, CSI के रेफरेंस में IPVS की फुल फॉर्म क्या है? तो यह है इंडिया पोस्ट विजिबिलिटी सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 में है कि व्हाट इज द टोल फ्री इंक्वायरी हेल्पलाइन नंबर ऑफ इंडिया पोस्ट, इंडिया पोस्ट का इंक्वायरी के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है ये पूछा गया है। तो टोल फ्री नंबर है 1800-266-6868, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया कि आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैज हाउ मेनी सेगमेंट्स, डाक विभाग का जो आईटी आधुनिकीकरण परियोजना है उसे कितने खंडों में बांटा गया था? तो इसके टोटल खंड थे 8, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 में है कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड थ्रू, PLI की जो सर्विस है वो किसके थ्रू प्रोवाइड करवाई जाती है? तो वो प्रोवाइड करवाई जाती है CIS, यानी कि कोर इंश्योरेंस सॉल्यूशन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 में है कि विच इज इनकरेक्ट ऑप्शन इन कनेक्शन विद ओपनिंग ऑफ अकाउंट ऑफ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, निम्नलिखित में से वरिष्ठ नागरिक बचत खाते को खोलने के संबंध में कौन सा ऑप्शन गलत है? ऑप्शन नंबर ए में द होल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट इन अ जॉइंट अकाउंट शैल बी एट्रिबल टू द फर्स्ट अकाउंट होल्डर ओनली, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी में द सक्सेसर और लीगल ईयर ऑफ अ डिसीज सर्विंग पर्सनल शैल ऑल्सो बी एलिजिबल टू डिपॉजिट द टर्मिनल बेनिफिट ऑफ सच डिसीज पर्सनल अंडर द स्कीम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी में एन इंडिविजुअल मे ओपन एन अकाउंट इन इंडिविजुअल कैपेसिटी और जॉइंटली विद स्पाउस, ऑप्शन नंबर सी सही है, इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा, या कहें कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत है और गलत ही पूछा गया आपसे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपके लिए सही आंसर। 46 क्वेश्चन नंबर 46 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन में है, पहला कथन है कि द इमेज प्रपोज्ड ऑन अ कस्टमाइज्ड माई स्टैम्प बाय द इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन शेल नॉट बी कंटेन और इम्प्लाई और सजेस्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि किसी संस्था या संगठन के द्वारा अगर माई स्टैम्प कस्टमाइज करवाई जा रही है तो निम्नलिखित में से उन पर क्या नहीं होना चाहिए? तो उन पर कुछ भी अवैध आक्रामक अपमानजनक या अनैतिक नहीं होना चाहिए, कुछ भी बेईमान भ्रामक या देशद्रोही जैसा कुछ कंटेंट नहीं होना चाहिए, कोई भी धार्मिक या राजनीतिक सामग्री नहीं होनी चाहिए, इसलिए इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी ए, स्टेटमेंट नंबर 1, 2, 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 में व्हाट इज द प्योरिटी ऑफ पेमेंट ऑफ एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस ऑफ ईयर पॉलिसी, AE पॉलिसी के संबंध में
जो पीरियडिसिटी है पेमेंट्स की वो क्या क्या है, तो वो है 8 ईयर, 12 ईयर, 16 ईयर, 20 ईयर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 में है, व्हाट इज द फी फॉर ट्रांसफर ऑफ मंथली इनकम स्कीम अकाउंट फ्रॉम वन पोस्ट ऑफिस टू अनदर पोस्ट ऑफिस। एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में अगर MIS का अकाउंट आपको ट्रांसफर करवाना है उसके लिए क्या चार्जेस हैं, तो उसके लिए चार्जेस हैं 100 रुपीज़ प्लस GST, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 में, व्हाट इज द मैक्सिमम वेट ऑफ अ बुक पैटर्न। अगर आपसे बुक पैटर्न पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर, बुक पैकेट पूछा जाता तो आंसर होता ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50 में, व्हाट इज द मैक्सिमम वेट लिमिट ऑफ ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट। ब्लाइंड लिटरेचर के पैकेट का अधिकतम मैक्सिमम वेट कितना होता है, तो वो होता है 7 kg, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इसी के साथ साथ हम लोगों ने राजस्थान सर्कल के PA के एग्जाम जो कि 2022 में हुआ था उसके डिपार्टमेंटल क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, और इसी नोट पर इस वीडियो को करता हूं मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का, धन्यवाद।